सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास सिंह और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने टेक्निकल चैनल में जिसका नाम है एंड्रो गुरु जी। और ऐसे ही फ्रेश फ्रेश वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जी कैम का अपडेट, वो भी M30S यानी सैमसंग गैलेक्सी M30S के लिए। फ्रेंड्स, इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M30S के कैमरे के बारे में। और इसके कुछ मतलब अभी हाल ही में एक अपडेट आया है जिसका मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको अपडेट देने आया हूँ यहाँ पर जी कैम के ऊपर। इससे पहले मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ जी कैम के ऊपर, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाके उसको देख सकते हैं, लेकिन पहले इस वीडियो को यहाँ पर पूरा देख लीजिए क्योंकि इसके अंदर उस वीडियो का भी सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि यहाँ पर मैं M30S के ऊपर यहाँ पर वीडियो लेके आता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले अबाउट के अंदर ले चलता हूँ, और अभी लेटेस्ट अपडेट यानी M30S का जो लेटेस्ट अपडेट आया था मैं उसी के ऊपर हूँ, और M30S जिसके आप देख सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं चलता हूँ यहाँ से देख सीधा कैमरे के ऊपर। तो ये जी कैम है और इसके ऊपर फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको कुछ और भी बता दूं, ये जो मैंने यहाँ पर जो यूज़ किया हुआ है ये है आइकन पैक, और ये रेड लाइन आइकन पैक है जिसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो कि एक पेड जो है यहाँ पर आइकन पैक आपको देखने को मिलता है। अगर मैं लॉन्चर की बात करूँ फ्रेंड्स यहाँ पर, तो मैं लॉन्चर यहाँ पर लॉ लॉन्चर यूज़ कर रहा हूँ जो कि आपको प्ले स्टोर पर ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर कर रहा हूँ, और रिकॉर्डिंग भी मैं इसी फ़ोन से कर रहा हूँ, लेकिन एक एक्सटर्नल माइक के थ्रू यहाँ पर जैसे कि कनेक्ट हो रखा है 3.5 mm का जैक। सो इसी के थ्रू मैं जो है यहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब आती है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के लिए इसका यूज़ करना पड़ रहा है, और कोई दूसरा ऑप्शन मेरे पास है नहीं और कोई दूसरा फ़ोन मेरे पास है नहीं। तो चलते हैं यहाँ पर सीधा जी कैम की तरफ। आपको यह इशू पता होगा, लास्ट टाइम मैंने जो सेकेंड जी कैम का जो लिंक दिया था तो उसके अंदर क्या इशू आ रहा था कि उसके अंदर जो फोटोग्राफी वाला जो ऑप्शन है ना वो वर्क नहीं कर रहा था। जैसे आप कैमरा ऑन करते थे, कैमरा ऑन करते के साथ ही वो जो है एप्लीकेशन बंद हो जाती थी। तो इसके लिए एक सोल्यूशन हमारे एक सब्सक्राइबर ने यहाँ पर हमको दिया, थैंक यू सो मच फॉर, जिसने एक सब्सक्राइबर थे हमारे, तो उन्होंने मुझे टेलीग्राम पे हेल्प की। आप भी मुझे ऐसे ही हेल्प कर सकते हैं टेलीग्राम पे ज्वाइन करके, नीचे आपको सारी ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक के अंदर लिंक भी मिल जाएगा और उसकी सारी डिटेल्स भी मिल जाएगी कैसे आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम। सबसे पहले आपको टेलीग्राम में अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद आपको एंड्रो गुरु जी ऑफिशियल सर्च करना है, और डायरेक्टली आप जो है मेरे ग्रुप के अंदर यहाँ पर जंप कर जाएंगे। और आप मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, सिर्फ एट एंड्रो गुरु जी करके भी आप मेरे से डायरेक्टली यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना होगा, अब ये वाला जी कैम था फ्रेंड्स, मैंने पहले भी इसका लिंक दिया था, तो आपको इसको फोर्स स्टॉप कर लेना है, और ये ढंग से काम नहीं कर रहा था इसका कैमरा, ठीक है, वीडियो कैमरा सिर्फ काम कर रहा था इसके अंदर, लेकिन बाकी और कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा था, ठीक है। और उसके अलावा स्लो मो काम कर रहा था इसका वीडियो ऑप्शन, और स्लो मो काम कर रहा था। सो बाकी जो है फोटोग्राफी के लिए आपको मैंने एक अलग कैमरा बताया था, तो यार बड़ा झंझट का काम था, और फोटोग्राफी के लिए आपको एक अलग जी कैम रखना पड़ता था। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, एक ही जी कैम रखना है हमको, और इसी के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, आपको पॉप अप विंडो से ही सीधा वीडियो वाला जो ऑप्शन है उसको खोल लेना है। टेक ए वीडियो पर चलते हैं डायरेक्टली, और जैसे ही आप टेक ए वीडियो पर जाएंगे तो आपका कैमरा तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर मैं फ्रंट कैमरा से दिखाऊँ, सो फ्रंट कैमरा भी यहाँ पर ओके वर्किंग है, ठीक है। सो वीडियो तो यहाँ पर वर्क होता है, लेकिन कैमरा जो है हम डायरेक्टली कैमरे के ऊपर जाते हैं ना तो कैमरे पे स्टॉप हो जाता है, यानी फोर्स स्टॉप हो जाता है। तो इसको कैसे फिक्स करना है फ्रेंड्स, सो इसके लिए आपको यहाँ पर मैं एक फ़ाइल की ज़रूरत पड़ेगी, जो फाइल का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आपको वो डाउनलोड कर लेनी है और उसको जा करके सेव कर लेना है अपने फाइल मैनेजर के अंदर। फाइल मैनेजर के अंदर चलते हैं हम लोग, फाइल्स के अंदर चल देते हैं, फाइल्स वो गूगल का ही एक जो अपना ऐप है, या आप अपना जो डिफ़ॉल्ट फाइल मैनेजर है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्राउज़ में जाता हूँ, और इंटरनल के स्टोरेज के अंदर जाने के बाद आपको जो डाउनलोडेड फाइल है आपकी, जो कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो कि एक XML फाइल होगी, उसको जा करके आपको यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम हूबहू इस तरीके से रखना है आपको। सो सबसे ऊपर शायद वो फोल्डर ये रहा, तो फ्रेंड्स आपको जी बड़ा रखना है, सॉरी जी आपको बड़ा रखना है, और उसके बाद आपको लिखना है जी कैम। जी कैम करने के बाद फ्रेंड्स इसके अंदर चलते हैं, और इसके अंदर इस वाली फाइल को इग्नोर करिए, ये मेरी अपनी फाइल है, इसको अभी बाद की चीज़ें, तो अभी तो हम इसको कोई फ़ायदा नहीं इसका। और उसके अंदर आपको एक फोल्डर बनाना है,
कॉन्फिग्स नाम का, यानी CONFIGS। अगर आपको ये फॉन्ट समझ में नहीं आ रहा तो मैं रिपीट कर देता हूँ एक बारी, CONFIGS। तो कॉन्फिग्स के अंदर आपको एक फाइल पेस्ट करनी है बेस्ट कॉन्फिगेशन के नाम से, bestconfiguration.xml। सो ये फाइल आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, डाउनलोड कर लेना उसको, और जाके उसको डायरेक्टली डाउनलोड करने के बाद जो है आप यहाँ पर इसको यूज़ कर पाएंगे बहुत ही ईजिली। सो आपको यहाँ पर बैक कर लेते हैं और इसको अपने इंटरनल के अंदर रखना है, यानी gcam फोल्डर के अंदर। gcam फोल्डर के अंदर आपको कॉन्फिग नाम का एक फोल्डर बनाना है और वहाँ पर आपको bestconfig.xml वाली फाइल जो है पेस्ट कर लेनी है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिंपली कैमरे के अंदर वापस जंप करना है, और जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो वाला ऑप्शन खुलेगा, कैमरे वाला नहीं खुलेगा। तो कैमरे वाले को यहाँ से खोलने की कोशिश मत करना, सिंपली आपको बाहर जाना है और वहाँ हमारा जो कैमरा है उसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद फ्रेंड्स आपने अगर मेरा पुराना वाला वीडियो देखा जो आप जाके देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने सैम्पल्स भी इसके दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे टी के वीडियो सबसे ऊपर ऑप्शन में को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर जंप करूँगा और उसके बाद ये जो है मेरा एटलीस्ट मेरा कैमरा जो है ऑन हो जाएगा ताकि हम अपनी सेटिंग आगे कर सकें। तो आपको सेटिंग करने के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको यहाँ पर खाली स्पेस दिख रहा होगा साइड्स में, इधर और इधर दोनों तरफ ये खाली जो स्पेस दिख रहा है आपको बीच वाले स्पेस को छोड़ के ये लेफ्ट वाला और राइट वाला जो खाली स्पेस यहाँ पर देखने को मिलता है इसमें आपको डबल टैप करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर डबल टैप करते जो हमारी फाइल है बेस्ट config.xml उसको जो है आप यहाँ पर इजीली जो है यहाँ पर रिस्टोर कर सकते हैं। तो रिस्टोर करने के बाद अभी जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा कैमरा वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन अब आप जादू देखेंगे कि कैमरा भी वर्क कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं अब कैमरा वर्क कर रहा है, कैमरे पे ही हूँ ठीक है, तो यहाँ पर कैमरा बिल्कुल परफेक्टली जो है वर्क कर रहा है। फ्रंट कैमरा अभी भी शायद वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि देख सकते हैं अभी भी फ्रंट कैमरे में एकदम से जो है ये बंद हो गया, लेकिन बैक कैमरा अभी आप देख सकते हैं कि मतलब ये बेस्ट सेटिंग्स है यार, कुछ ना से भला तो हाँ से ही। सो ये एक नया अपडेट यहाँ पर आपको देना था और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था, तो जिसके अंदर आपको सब कुछ जो है परफेक्टली यहाँ पर वर्क कर रहा है जीकेएम के अंदर। एटलीस्ट आप पीछे वाले फ़ोन कैमरे से जो यहाँ पर फ़ोटो खींच सकते हैं, इसके अंदर कुछ फिक्सेस आगे भी हम लेके आते रहेंगे इसी तरीके से। तो आप देख सकते हैं अभी जो है ये फिक्स आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें पोर्ट्रेट मोड की, तो यहाँ पर अभी पोर्ट्रेट मोड वर्किंग नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर पैनोरामा भी यहाँ पर शायद वर्किंग है, ओके सो ये भी यहाँ पर वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर लेंस ब्लर ऑप्शन भी यहाँ पर वर्किंग होना चाहिए था, हाँ बिल्कुल वर्किंग है। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अगर मैं नाइट मोड की बात बताऊँ तो यहाँ पर नाइट मोड अभी जो है वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या चीज़ जो है यहाँ पर फोर स्टॉप हो गई, वीडियो वाला जो है फोर स्टॉप नहीं हो रहा ठीक है। तो यहाँ पर मोर के अंदर जाते हैं और बहुत सारे ऑप्शन हमको अलग अलग देखने को मिलते हैं, जैसे कि नाइट साइड, फोटो स्पेयर, ये फोटो स्पेयर और फोटो बूथ, शायद फोटो स्पेयर चल रहा है लेकिन फोटो बूथ यहाँ पर नहीं चल रहा है, तो फोटो स्पेयर चल रहे हैं ठीक है, परफेक्टली वर्किंग है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर मोर के अंदर जाके तो देख सकते हैं आप कभी कभी जो है ऑफ हो जा रहा है, क्योंकि भाई इसके लिए बिल्कुल भी नहीं बना हुआ और इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हमने जो किए हैं जो कि प्री अप्लाइड है। आप भी यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं इसकी सेटिंग्स को चेंज करके, यहाँ पर सेटिंग के अंदर जाके आप इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करके उसको एक्सपोर्ट करके प्लीज़ मुझे सेंड करिए अगर आप कुछ कर सकें। सो देख सकते हैं फिर से बंद हो गया, तो मतलब बैक करने में बंद हो जा रहा है एक्चुअली, मुझे समझ में आ गया। सो ये कुछ इसके अंदर जो है कैमरा एटलीस्ट वर्किंग होने लगा है अब, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं कैमरे का, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और एक बात और यार, इसका स्लो मोशन भी वर्क कर रहा है परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट वाला फ्रंट तो है ही नहीं ऑप्शन, सॉरी स्लो मोशन के लिए सिर्फ बैक में इसमें ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। सो बैक में ही होता है स्लो मोशन का ऑप्शन, यार मैं भी थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। तो देख सकते हैं परफेक्टली वर्किंग है, सो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। आज मेरी RGB यहाँ पर नहीं जल रही है एक्चुअली, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है RGB को, अभी फिक्स करना पड़ेगा हम लोगों को, और उसके बाद यहाँ पर लाइटिंग फिर से जो है ऑन हो जाएगी। आज मैंने अपना फेस भी इसीलिए नहीं दिखाया यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कि मैं 2 मिनट वहाँ पे ख़राब करूँ और उसके बाद। और इसके सैम्पल्स वगैरह फ्रेंड्स आपको देखने हैं ना तो आप जाके देख सकते हैं, मतलब बैक करने में हर बार ही बंद हो जा रहा है कैमरा, लेकिन वैसे एटलीस्ट जो है ये वर्किंग ऐप कैमरा अगर मैं फ़ोन से खींचूँ तो परफेक्टली वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है। पुराना वाला एक कैमरा तो मैंने आपको दे रखा है, तो आप उसको भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं अगर आपको यूज़ करना है। नीचे पीछे मतलब डिस्क्रिप्शन में और आपको आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा पुराने वाले वीडियो का, तो आप जाके वो भी एक बारी चेकआउट कर सकते हैं।
और अब मेरे चैनल को यूं ही प्यार दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ यार चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लेना और अपने कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर से मेरे को यहाँ पर बताना, कोई सजेशंस आपकी ज़रूर हो तो उसको ज़रूर से यहाँ पर बता देना, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे नए नए अपडेट्स लेके आता रहूँ। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।